पूरी स्थिति को देखते हुए कांग्रेस कार्य समिति का मानना है कि दिल्ली में मौजूदा स्थिति के लिए केंद्र सरकार खास तौर से गृह मंत्री जिम्मेदार है। फौरन तौर से जिम्मेदारी लेते हुए गृह मंत्री को अपना इस्तीफा देना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली सरकार भी शांति और सद्भाव बनाए रखने में पूरी तरह से विफल हैं तथा जिम्मेदार हैं। दोनों सरकारों की जिम्मेदारी निभाने में विफलता से के कारण देश की राजधानी इस त्रासदी का शिकार बनी है। कांग्रेस कार्य समिति देश की ओर से सवाल पूछती है। नंबर एक, पिछले इतवार से देश के गृह मंत्री कहाँ थे और वो क्या कर रहे थे? नंबर दो, पिछले इतवार से दिल्ली के मुख्यमंत्री कहाँ थे और क्या कर रहे थे? नंबर तीन, दिल्ली चुनाव के बाद इंटेलिजेंस एजेंसी के द्वारा क्या जानकारी दी गई और उन पर क्या कार्रवाई हुई? नंबर चार, इतवार की रात से कितनी पुलिस फोर्स दंगों वाले इलाके में लगाई गई जब ये साफ था, बिल्कुल साफ था कि दंगे और ज़्यादा फैलने वाले हैं? नंबर पाँच, जब दिल्ली में हालात बेकाबू हो गए थे तो पुलिस का कंट्रोल नहीं बचा था, तो ऐसे में और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस क्यों नहीं बुलाया गया? कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी ने थोड़े समय पहले जो दिल्ली के हिंसा के बारे में बयान दिया वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और निंदा करने लायक है। अभी हिंसा समाप्त हो रही है, अभी लोग जख्मी है, हॉस्पिटलों में है, अभी जांच की शुरुआत हुई है। ऐसे में सभी पार्टियों का काम होता है कि शांति स्थायी हो और उसमें मदद करे। उसके बजाय सरकार पर दोषारोप करना ये गंदी राजनीति है। ये ऐसे हिंसा का राजनीतिकरण करना ये एकदम ही गलत रास्ता है और यही कांग्रेस की नीति होती है। आज बालाकोट के पराक्रम को एक साल हो रहा है, पिछले साल भी उन्होंने ऐसा ही किया था। बालाकोट पर तुरंत दूसरे दिन सवाल उठाए थे, उसके पहले तीन साल पहले सर्जिकल स्ट्राइक पर भी ऐसे ही सवाल उठाए थे। तो देश के प्रयासों में मदद करने के बजाय वो केवल राजनीति करना चाहते हैं, जिसकी हम भर्त्सना करते हैं। चर्चा के लिए तो संसद का सत्र है, तब चर्चा कर सकते हैं। और जिनके हाथ सिखों के नरसंहार से रंगे हो वो अब यहां हिंसा को रोकने में असफलता या सफलता की बात कर रहे हैं। उस समय तो हिंसा का समर्थन किया था कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने कि जब बड़ा पेड़ गिरता है धरती हिलती है। विज्ञान ऐसा नहीं कहता, विज्ञान कहता है कि जब धरती हिलती है तो पेड़ गिरते हैं।
लेकिन जो भी उल्टा साइंस उन्होंने बताया वो तो नरसंहार का समर्थन था।